मैंने तुम लोगों को जो उपदेश दिया है उसके कारण तुम पहले ही शुद्ध हो गए हो। प्रेरितों के साथ अंतिम भोजन के बाद यीशु ने ऊपरी कक्ष छोड़ दिया और जैतून के पर्वत की ओर चल दिया। 11 चेले उसके साथ थे। यूदास इस्करियोत पहले ही चले गए थे और जल्द ही यीशु के साथ विश्वासघात करने वाले थे। यह एक गंभीर और नाटकीय क्षण था। रात के खाने के दौरान यीशु ने एक लंबा विदाई भाषण दिया था, क्योंकि वह अपने करीबी अनुयायियों को महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता था जिसके शब्दों को भुलाया ना जा सके। उसके प्रेषित यहूदी थे जो शास्त्र को जानते थे, और यीशु ने उन्हें बेल की परिचित छवि का याद दिलाई थी। पवित्र ग्रंथों में बेल यह उन यहूदी लोगों का प्रतीक है जिसकी देखभाल परमेश्वर करते थे। वास्तव में परमेश्वर एक चौकस और विशेषज्ञ किसान है। अब यीशु अपने आप को बेल बोलता है जो पिता के जीवनदायी प्रेम को अपने शिष्य तक पहुंचाता है। इसलिए शिष्य को अपना ध्यान सिर्फ अपने आप को परमेश्वर में जुड़े रहने में केंद्रित करना चाहिए। मैंने तुम लोगों को जो उपदेश दिया है उसके कारण तुम पहले ही शुद्ध हो गए हो। यीशु में एकजुट रहने का एक तरीका उसके वचन का स्वागत करना है। यह परमेश्वर को हमारे दिलों में प्रवेश करने की अनुमति देता है ताकि हम उन्हें शुद्ध बनाया जा सके। स्वार्थ से मुक्त होकर हम बहुतायत में फल दे सकें। पिता हमसे प्यार करता है और हमसे बेहतर जानता है कि हमें किस प्रकार के बेकार और सभी अनावश्यक चीज़ों, नकारात्मक निर्णय, हर काम अपने फायदे के लिए करने की लालसा और सब कुछ और सभी को नियंत्रण में रखने का भ्रम से मुक्त करे और बेफिक्र रहे। हमारे दिलों में भी सकारात्मक आकांक्षाएं और परियोजनाएं हैं, लेकिन ये भी स्वयं ईश्वर का स्थान ले सकते हैं और हम मसीही जीवन जीने की गति खो सकते हैं। यही कारण है कि वह कभी कभी परिस्थितियों और दर्दनाक अनुभवों के माध्यम से हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, जिसके पीछे हमेशा उसका प्यार होता है। पूर्ण आनंद वह फल है जो सुसमाचार उन लोगों को देता है जो परमेश्वर के प्यार को खुद में नवीनीकरण लाने की अनुमति देते हैं। यह एक विशेष खुशी है जो आंसू के बीच में भी खिलती है और दिल में बहती है और आसपास की मिट्टी को भरती है। यह पुनरुत्थान की एक छोटी भविष्यवाणी की तरह है। मैंने तुम लोगों को जो उपदेश दिया है उसके कारण तुम पहले ही शुद्ध हो गए हो। वचन को जी कर हम अपने आप से बाहर कदम रखते हैं और अपने भाइयों और बहनों से जो हमारे सबसे करीब है, हमारे परिवार में, हमारे शहरों में और जीवन के हर क्षण में सबों से प्यार से मिलते हैं। यह हमें उन संबंधों को बनाने में सक्षम बनाता है जो सकारात्मक संबंधों के एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसका उद्देश्य आपसी प्रेम की आज्ञा की पूर्ति है जो परिवार की भावना का निर्माण करता है। यूहन्ना के ग्रंथ से इस वाक्यांश पर ध्यान दिलाते हुए फुकलारे के संस्थापक क्यारा लुबिक ने लिखा, इसलिए हम कैसे जिएं जिससे हम भी यीशु की प्रशंसा के योग्य हो पाएं? हम परमेश्वर के प्रत्येक शब्द को पल पल व्यवहार में ला सकते हैं और अपना बना सकते हैं। ऐसा करने से हमारा अस्तित्व निरंतर पुनः जी उठेगा। यीशु के समान ही हमारे विचार और भावनाएं होगी। हम बुराई और पाप में जकड़े समाज को सुसमाचार की पवित्रता और पारदर्शिता को दे पाएंगे। इस महीने के दौरान यदि यह संभव है, यदि अन्य लोग हमारे इरादों से सहमत हैं, तो हमें एक विशेष तरीके से उन शब्द को व्यवहार में लाने की कोशिश करें जो आपसी प्रेम को व्यक्त करता है। यूहन्ना के लिए मसीह के वचन उसकी नई आज्ञा के बीच एक संबंध है। उसके अनुसार यह परस्पर प्रेम है कि हम शब्द को इसके कई भाव प्रभावों के साथ जीते हैं। शुद्धि, पवित्रता, पापहीनता,
फल और ईश्वर के प्रति निकटता। यदि हम एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं तो हम लंबे समय तक दुनिया के दबावों का विरोध नहीं कर सकते, जबकि आपसी प्रेम में हम एक ईसाई जीवन की रक्षा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाते हैं। मैंने तुम लोगों को जो उपदेश दिया है उसके कारण तुम पहले ही शुद्ध हो गए हो।